फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन कौपत्र। मेरे पास एक टेक्नो KG5H की हैंडसेट है। तो दोस्तों, ये जो KG5H की हैंडसेट है, तो ये टेक्नो स्पार्क गो 2022 की हैंडसेट है। तो दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पर FRF लॉक हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाईफाई यहाँ पर शो करा है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक लॉक के मार्क है। तो उसका अर्थ ये फोन अभी FRF लॉक है। तो उसको कैसे हम अनलॉक करेंगे, अनलॉक करें बहुत बड़ी डिटेल्स में बताऊँगा। उससे पहले जो मैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं वीडियो को अच्छा से लाइक दूसरा जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको पहले यहाँ पर फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। तो देखिए, मैंने उसको स्विच ऑफ कर लिया। तो स्विच ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पर, तो स्विच ऑफ करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अनलॉक टूल पे। और यहाँ पर अनलॉक टूल जाने के बाद आपको जाना है मीडियाटेक पे। तो यहाँ पर मीडियाटेक के जाकर आपको यहाँ पर जाना है FTK इन्वर्सल, और यहाँ पर आपको जेनरिक पे जाना है। तो जेनरिक पे जाकर यहाँ पर इरेज़ पे क्लिक करना है। और इरेज़ पे क्लिक करने का उसका जो वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों की को यहाँ पर सेम टाइम आपको प्रेस करना है। और यहाँ पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको जो USB केबल है आप उसको कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर आपको फोन यहाँ पर स्विच ऑन हो गया, इसलिए हमको यहाँ पर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर केबल को डिसकनेक्ट कर लेते हैं और फिर से आपको ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर पावर ऑफ करना है। और पावर ऑफ करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर वेटिंग पर डिवाइस शो कर रहा है। तो आपको फोन को यहाँ पर फिर से वॉल्यूम प्लस और माइनस को दोनों को की के सेम टाइम प्रेस करेंगे और ये केबल को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फिर भी यहाँ पर नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप कर देने के बाद आपको जाना है टेक्नो पर। यहाँ पर देखिए, अभी तक मेरा जो फ़ोन ये है, तो यहाँ पर उसकी पोर्ट शो नहीं कर रहा है और फ़ोन भी अभी तक मेरा कनेक्ट नहीं हुआ है। तो उसका कारण ये है कि तो मैंने उस फ़ोन को यहाँ पर डिसेबल कर लिया। तो डिसेबल करने का देखिए, उसका जो चार्जिंग का जो सॉकेट होता है ये ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो उसको यहाँ पर नया डालने से ये आपकी फ़ोन USB पोर्ट एक्टिव हो जाएगा और आपकी फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और आपकी जो FRF था वो 100% रिमूव हो जाएगा इसी तरीके से। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो ये था आपके प्रोसेस कैसे उसका FRF रिमूव करेंगे।